राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 10 फौज और अर्ध सैनिक बलों को उनके अदुतीय साहस और असाधारण बहादुरी लिए कीर्ति चक्कर से सम्मानित किया, जिन्हों 7 को मरण उपरंत सम्मान दिया गया। कीर्ति चक्कर भारत का दूजा सब तो बड़ा फौजी बहादुरी पुरस्कार है। इस लिस्ट में कैप्टन अंशुमन सिंह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी जान गवा के कई लोगों की जान बचाई। कैप्टन अंशुमन को राष्ट्रपति वालों कीर्ति चक्कर से सम्मानित किया गया। कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी सृष्टि सिंह ने अवार्ड हासिल किया। कैप्टन अंशुमन सिंह की मृतक देह को हैलीकॉप्टर राही उन्हें जद्दे पिंड दियोरिया लिया गया। अंशुमन की मौत की खबर नाल पूरे पिंड च सोग की लहर फैल गई सी। उसकी मां ते भैन का बुरा हाल से रो रो के बुरा हाल हो गया। पत्नी सृष्टि अपने पति को गुवाउण के दुख कारण बेहोश हो गई। जब सृष्टि को होश आई तो उसने अपने पति को आखिरी बार मिलने की इच्छा प्रगटाई, पर उसका सुपना भी पूरा ना हो सकया। असल च कैप्टन अंशुमन का चेहरा अग च बुरी तरह सड़ गया, चेहरे पर कपड़ा पा दिता। अंशुमन की मां ते पत्नी उसे आखिरी बार वेखण लई रोंदे रहे, पर उन्हां दी इच्छा अधूरी रही। अंशुमन का अंतिम संस्कार भागलपुर च सरयू नदी के कंडे 21 जुलाई 2023 नूं होया सी। फरवरी के महीने कैप्टन अंशुमन सिंह सृष्टि ने 7 फेरे ले सी। कैप्टन विया तो थोड़ी देर बाद ड्यूटी से वापस चले गए। अंशुमन सिंह पंजाब रेजीमेंट की 26वीं बटालियन की आर्मी मेडिकल कौर के कैप्टन से। उन्हां दी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर से, हालांकि सियाचिन ग्लेशियर अपनी ठंडक लई जाणिया जांदा, उत्थे तापमान हमेशा माइनस च रहिंदा है। पर जुलाई 2023 च सियाचिन ते बने कुछ फौजी बंकरां नूं आग लग गई। इस दौरान कुछ फौजी बंकर च बुरी तरह फस गए। कैप्टन अंशुमन ने भी बहादुरी दिखाया, बंकर च दाखिल होकर 4 सैनिकों को सुरक्षित बाहर कढ़िया। हालांकि अंशुमन खुद उस बंकर च फस गया, कुछ समय बाद अग की लपेट में आ गए। कैप्टन अंशुमन सिंह आर्मी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देशहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह।